हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी हमारा मीडियम हमें चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारी बॉडी में कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं पहले, प्लांट्स की हम बाद में बात करेंगे। अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, अदर सब्सटेंस है, एंजाइम है, प्रोटीन है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हमें पढ़ना है। तो इसके लिए हमारी बॉडी में वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और दूसरा है आपका लिम्फैटिक सिस्टम या लिम्फैटिक वैस्कुलर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर आपका आएगा पहले जो मीडियम है आपका ब्लड, और जो आपका मेन पंपिंग ऑर्गन है दैट इज़ हार्ट। ब्लड के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लड क्या होता है? रेड कलर का फ्लूइड होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं मेन कंपोनेंट्स? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो इसका फ्लूइड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड सेल्स मेनली हमारी तीन टाइप की होती हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। RBCs को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं। RBCs रेड कलर होती है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन है यही क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। WBCs हमारी बॉडी के सोल्जर्स की तरह एक्शन करते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के WBCs हमने पढ़ी थी। प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है वो है आपका ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो क्या होगा, जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो कुछ फैक्टर्स को इनिशिएट कर देती हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा फिर आपका ब्लड क्लॉटिंग होगा। सबसे पहले क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारा यहाँ पे प्रो ऐड हो गया तो मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म थी, ठीक है, सोल्यूबल फॉर्म में ये प्रेजेंट था ब्लड के अंदर। अब जैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, इसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में। ये जो फाइब्रिनोजन था ये सोल्यूबल था, और ये जो फाइब्रिन है ये कैसे होंगे, इनसोल्यूबल। और ये जो फाइब्रिन है आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक नेटवर्क बना देंगे, क्या बना देंगे, नेटवर्क बना देंगे, जितनी भी वहाँ पे RBCs, WBCs बाकी सेल्स हैं उनके साथ मिलके इंजरी साइट पे एक नेटवर्क बना देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन हुआ, उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। अब जो आपका थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये फाइब्रिन क्या करेगा, जो भी ब्लड सेल्स वहाँ पे आई थी काम करने के लिए इंजरी साइट पे, उनके साथ मिलके एक नेटवर्क बना देगा, जिसको हम क्लॉट बोलते हैं। इसके लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, कैल्शियम और आपका वाइटामिन के। क्लियर? उसके बाद है आपका ब्लड वेसल्स मेनली आपकी 3 टाइप्स की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज मेनली क्या होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, ये थिन वॉल्ड होती हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा थिन। अगर हम आर्टरी की बात करें, आर्टरी की वॉल क्या है, थिक है, लेकिन इसका जो ल्यूमन है वो क्या होगा, नैरो होगा। वेन्स में क्या है, वॉल तो थिन है लेकिन इसका जो ल्यूमन है वो क्या है, वाइड है। कैपिलरीज तो क्या होती हैं, बहुत ही ज़रा थिन नेटवर्क होता है इनका, ये क्या करती हैं, आर्टरीज को और वेन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। क्लियर? तो डिफरेंस क्लियर करना है आपको। आर्टरीज को हम आर्टरीज बोलते किस बेस पे हैं, कि जैसे हम हार्ट से बात करें, कि ये ऐसी ब्लड वेसल हैं जो क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं। ये आपका हार्ट है तो इससे ब्लड लेके जाएंगी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन है इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह से वेन्स क्या करेंगी, ब्लड लेके आएंगी हार्ट की तरफ। और कैसा ब्लड होता है मोस्टली इसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स। क्लियर?
क्लियर। और कैपिलरीज कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जहाँ पे आर्टरीज और वीन्स का, जहाँ पे आर्टरीज और वीन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम हार्ट पे। हार्ट क्या होता है, अगर हम हार्ट के साइज़ की बात करें तो आपकी जो ये फीस्ट होती है, बंद मुट्ठी जो है आपकी, इतने साइज़ का आपका हार्ट होता है, ठीक है। स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है ये, जो हमने लंग्स का डायग्राम पढ़ा था वहाँ पे हमने कार्डिक नोच पढ़ा था, तो वहाँ पे पोजीशन होती है आपके हार्ट की। हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती है कौन सी होती हैं, कार्डिक मसल्स। और ये मसल्स ही हैं जिसकी हेल्प से हार्ट में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी, उसी की वजह से क्या होगा, पंप होगा ब्लड आपका हार्ट में, क्लियर। हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं हम। अभी आपको समझाने के लिए फटाफट बना रही हूं, तो ये आपका हार्ट। हार्ट में क्या होते हैं, फोर चैम्बर होते हैं, ठीक है, टू ओरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स। दिस इज राइट ओरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपकी इन्फीरियर वेना केवा, ये आपकी सुपीरियर वेना केवा, दिस इज एओर्टा, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी और ये आपकी पल्मोनरी वीन्स। ये आपकी ट्राइकस्पिड वॉल और ये है बाइकस्पिड वॉल। अब क्या होगा, इसका पूरा प्रोसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी वेना केवा है, वेना केवा मतलब क्या है, ये वीन है एक तरह की, लेकिन साइज बड़ा है तो इनको वेना केवा हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी, जो अपर बॉडी पार्ट्स है वहाँ से ब्लड लेके आएगी, और जो आपकी इन्फीरियर वेना केवा है वो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएगी। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ पे पोर कर देगी, राइट ओरिकल में, क्लियर है। अपर बॉडी पार्ट से, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट ओरिकल में। जैसे ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, आपकी ट्राइकस्पिड वॉल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और ब्लड कहाँ पे आ जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल में। अब एक बात तो क्लियर है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको कहाँ पे सेंड करना है हमें, लंग्स में, ताकि वो क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड बन जाए। तो यहाँ से क्या होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा आपका ब्लड। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कहाँ पे जाएगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी ब्लड को, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। अब ये जो आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी, कहाँ पे डाल देंगी, राइट ओरिकल में। यहाँ पे देखा आपने, है तो ये वीन लेकिन कैसा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, एक्सेप्शन पढ़ा था हमने। इसी तरह से पल्मोनरी आर्टरी है तो आर्टरी, लेकिन कैसा ब्लड लेके जा रही थी, डीऑक्सीजनेटेड। तो अब ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, जिसने जो राइट ओरिकल में पोर कर दिया है। बाइकस्पिड वॉल खुलेगी, ब्लड कहाँ पे आ जाएगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे भेजना है हमें, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो यहाँ से ये होता हुआ एओर्टा के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर है। इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले वेना केवा कहाँ पे लेके आई ब्लड आपका, राइट ओरिकल में। राइट ओरिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएंगी इसको, लंग्स में। लंग्स के थ्रू फिर पल्मोनरी वीन्स लेके आएंगी ब्लड को, कहाँ पे, लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में। एओर्टा से जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। फिर से ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है, बॉडी पार्ट्स से ब्लड कैसा हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड,
वेना केवा कैसा ब्लड लेके आ रही है, डी ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे भी सेम सेम सेम, जैसे ही लंग्स में जाएगा, लंग्स के से निकलने के बाद ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ तक क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ही फ्लो करेगा। अब देखो एक कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल क्या है, जब हमारा हार्ट एक बार बीट करता है एक कंप्लीट साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डिक साइकिल के ड्यूरिंग क्या होगा, हार्ट दो बार पास होता है हार्ट से, क्या होता है, इट पासिस ट्वाइस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्लियर है यहाँ तक आपको? उसके बाद आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी ब्लड की तरह ही होता है। इसमें मेन, जैसे वहाँ पे हमारा ब्लड था मीडियम, यहाँ पे हमारा मीडियम क्या है, लिम्फ है। लिम्फ क्या होता है, ये रेड कलर का नहीं होता, इट कैन बी पेल येलो टू कलरलेस फ्लूइड। और इसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होता है प्लाज्मा और आपके WBCs। WBCs भी कौन सी होती हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ना तो यहाँ पे RBCs है, ना ही आपके प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है और लिम्फोसाइट्स हैं। अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, पहला तो आपका लिम्फ हो जाएगा, लिम्फ वेसल्स होंगी, लिम्फ कैपिलरीज होंगी, जैसे आपके ब्लड में भी वेसल्स थी, वहाँ पे आर्टरीज और वीन्स थी, यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है, वेसल्स ही बोल रहे हैं इनको। और जो आपकी सबसे स्मॉल वेसल्स, उनको हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ कैपिलरीज। इसके अलावा लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं आपकी बॉडी में, जैसे आपके टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स पता है आपको, टॉन्सिल्स भी क्या हैं, एक तरह के लिम्फ नोड्स हैं। इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या है, लिम्फ नोड्स, जो आपकी स्वेलिंग है, एक तरह की नोड्स हैं आपकी बॉडी में, अलग अलग जगह पे, अंडर आर्म्स में होती हैं, ठीक है, आपके टॉन्सिल्स हैं, वो भी क्या, एक तरह के लिम्फ नोड हैं। तो इनके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो इनमें और भी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जिससे लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज होगा और आपकी बॉडी इन्फेक्शन से आसानी से लड़ पाएगी। क्लियर है? लिम्फ क्या करेगा, आपके टिश्यू और आपके ब्लड के बीच में मिडल मैन का काम करता है। जो चीज़ ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में पहुंचानी है या टिश्यू से ब्लड में लेके आनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई चाहिए बीच में कनेक्टर, तो वो कौन है आपका, मिडल मैन आपका लिम्फ है। इसलिए लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। जैसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, जो भी इनका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, जो भी वेस्ट होगा, वो क्या कर देती हैं, अपने जो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है यहाँ पे डाल देती हैं। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है यहाँ पे जो फ्लूइड है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? लिम्फ का फंक्शन क्या हो गया, एक तो क्या है आपका, मिडल मैन का काम कर रहा है ब्लड और टिश्यूज के बीच में, ठीक है, और दूसरा क्या है, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारी, तो क्या करेगा, आपको इन्फेक्शन से भी बचाएगा। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन मैन। थैंक यू।